ফের ট্রাক হাইজ্যাক কাণ্ডের কিনারা করল বাঁকুড়া জেলা পুলিশ। গত 4 জানুয়ারি বাঁকুড়া শালতোরা থানার রানীপুর এলাকা থেকে স্পঞ্জ আয়রন বোঝায় একটি ট্রাক হাইজ্যাক করে দুষ্কৃতীরা। ঘটনার 2 সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই ঘটনার মাস্টার মাইন্ড সহ গোটা দুষ্কৃতী দলকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে হাইজ্যাক করা ট্রাকটিও। গত 4 জানুয়ারি রাতে বাঁকুড়া ছাতনা থানার অঙ্কিত মেটাল নামের একটি কারখানা থেকে স্পঞ্জ আয়রন বোঝাই করে একটি ট্রাক আসানসোলের দিকে যাচ্ছিল। অভিযোগ, শালতোরা থানার ছাতা পাথরের কাছে এই ট্রাকটিকে হাইজ্যাক করে একদল দুষ্কৃতী। ঘটনার খবর পেয়ে বাঁকুড়া জেলার প্রতিটি সীমান্তে নাকা চেকিংয়ে জোরদার করা হয়। নাকা চেকিংয়ে ধরা পড়ার ভয়ে বড়জোড়ার কাছে ট্রাকটিকে ছেড়ে পালায় দুষ্কৃতীরা। এরপরই ঘটনা তদন্ত নেমে 6 জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের আজ বাঁকুড়া জেলা আদালতে তোলা হয়। दुर्गापुर जाके मतलब वहाँ पर आपको गाड़ी रोका, तो अगर रोकने के बाद बोला हमको एक BIS स्पेशल चेकिंग, ओवरलोड चेकिंग हो रहा है। अच्छा, ओवरलोड चेकिंग और आप साहब चलान देखेगा। अच्छा, चलान देखेगा तो हम चलान लेके गए। चलान लेके जब गए तो हमको बस पकड़ के बोला रहा है, साहब मारपीट किया। हाँ, मारपीट किया। आप पे गलत है, खलासी था? नहीं, खलासी नहीं था, मैं चले। अच्छा, डेली जाते हैं आप लोग रोड में? हाँ, एक दिन दो दिन बाद हम लोग आते रहते हैं। कंपनी मालिक का गाड़ी, मालिक कंपनी है। अच्छा, कितना आदमी था वो लोग? 5 आदमी था बोलेरो में। वो बोला MBI चेकिंग है। हाँ, MBI चेकिंग। डर लग रहा है ये कानून की वजह से? हाँ, ये रास्ता में ऐसा तो कोई कभी सर हम ऐसा नहीं हुआ था, मतलब 2 साल से हम गाड़ी चला रहे थे, कभी ऐसा नहीं हुआ, मतलब पहला बार ये काम हुआ। हम लोग 2-3 बजे रात में गए, मतलब कभी ऐसा नहीं। उसके बाद क्या हुआ? बोलेरो में बैठा के हमको इधर उधर खाली घुरा रहा है, मतलब गाड़ी हम पूछ रहे गाड़ी मेरा कहाँ है, तो बोल रहा गाड़ी ठीक तुम्हारा सही जगह पर, गाड़ी का टेंशन मतलब तुम मेरा साथ में रहो, ज़्यादा छड़ा पड़ा करेगा तो हम तुमको मार देंगे, शांति से बैठा रहेगा तुमको नहीं मारेगा, इसलिए छोड़ देंगे, नहीं तो हल्ला उल्ला करेगा, शांति से बैठे रहो नहीं तो आराम से गाड़ी में। कोई आर्म्स था उसके हाथ लोग? आर्म्स था, बंदूक वगैरह कुछ दिखा ले रहा था हमको, बोला था कि मार देंगे, ज्यादा छक्का पड़ेगा तो मार देंगे। বাঁকুড়া থেকে সৈয়দ মফিজুল হুদা, আনন্দ বার্তা।